दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन विला लेकर के आ गया हूँ, जो कि यहाँ पर सेमी डुप्लेक्स है। एक रूम ऊपर की साइड में बना हुआ है, दो रूम नीचे हैं, किचन है, हॉल है और लेट बाथ है। अगर बात करूँ यहाँ पर लोकेशन की, तो लोकेशन कालवा रोड पर लोकेटेड है। हाथोद से अगर बात की जाए तो मेन हाथोद से ज़्यादा नहीं, 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पर है। और कॉलोनी की अगर बात करूँ तो सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं किस तरीके का है। आसपास में देखेंगे पूरे में ही विला वगैरह सारी ही चीज़ें बनी हुई है। और कॉलोनी की बात करूँ तो गोविंद नगर विस्तार के नाम से ये कॉलोनी है, 90 गज में बना हुआ है, 18x45 का डायमेंशन मिल जाता है यहाँ पर आपको। और पानी और सीवरेज की बात करूँ तो सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आपको बहुत ही नीरस मिलने वाली है। आपने देखा पूरा ही सराउंडिंग एरिया कॉलोनी का। अब देख लीजिए फ्रंट एलिवेशन कितने खूबसूरत तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ पर आपको दिया गया है। देखा आपने इसका फ्रंट एलिवेशन। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इस विला के अंदर, तो आ जाइए चलते हैं विला के अंदर। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे नए चैनल AR डिजाइन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एक आर्किटेक्ट को ढूंढ रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं JKS आर्किटेक्ट। अब उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, कि प्रॉपर्टी का मैं अगर प्राइस बताऊं तो प्राइस होने वाला है मात्र और मात्र 27 लाख रुपए। ऑन टेबल निगोशिएबल रहेगा, जब भी आप आएंगे मान सम्मान में कुछ ना कुछ बिल्डर के माध्यम से ज़रूर कम किया जाएगा। हम आ गए इसके पॉर्च की तरफ, और पॉर्च की अगर बात की जाए तो स्पेसियस साइज में पॉर्च का एरिया मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप इजीली अपनी सेडान कार तक पार्क कर सकते हैं। इस साइड में मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका लोबी का एरिया। लोबी की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो है आप शाम के समय अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पूरे ही यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह करके दिया गया है आपको, जो है गमले वगैरह लगा करके दिए गए हैं। इस साइड में भी आप देखेंगे प्रॉपर गमले वगैरह यहाँ पर भी आपको लगा करके दिए गए हैं, जो कि काफ़ी सारे हैं, जो कि इस घर की खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। स्टेयर्स बाहर से दी गई है, जो कि आपको इसके रूफ पर, इसके फर्स्ट फ्लोर पर लेकर के जाएगी। एंट्रेंस कुछ इस तरीके का है, स्टेयर्स बाहर से है। आप चाहते हैं ऊपर वाले फ्लोर को अगर आप जो है रेंट आउट करना चाहते हैं तो रेंट आउट भी आप इजीली कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके हॉल के अंदर और इस मकान के अंदर। आपको कैसा लगेगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। अभी हम आ गए हैं इसके हॉल के अंदर। हॉल के अगर साइज़ की बात करूँ तो 13x15 का स्पेसेस साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। टाइल की अगर बात करूँ तो थोड़े डिफरेंट तरीके की टाइल्स आपको यहाँ पर जो है इसके ग्राउंड पे लगा करके दी गई है। ऊपर की साइड की अगर बात करूं तो ऊपर कोई भी फुल सीलिंग डिज़ाइन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा सा जो है आपको POP वर्क, LED कॉब्स यहाँ पर आपको लगा करके दिए गए हैं। अभी यहाँ सामने की साइड में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पूरे पे ही आपको इस वॉल के ऊपर शोकेस बना करके दिया गया है, जो कि वुडन के साथ में आपको बहुत ही एक प्यारा सा लुक दे रहा है। यहाँ से मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके प्यारे से किचन की ओर, जो कि हर घर की शान होती है और हर घर में जो लेडीज़ होती है उनकी पसंदीदा जगह होती है। ये है इसका किचन। किचन की अगर साइज़ की बात करूँ तो किचन का साइज़ लगभग 6x10 का मिल जाता है। वेस्ट फेसिंग का ये मकान है और एल शेप में किचन आपको बना करके दी गई है, जो कि आपको ग्रेनाइट वगैरह लगा करके दिया गया है। और हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पर इस रसोई की, किचन की। यहाँ पर प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है, नीचे की साइड में भी प्रॉपर ड्रॉअर्स आपको बना करके दिए गए हैं। पीछे की साइड में वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपको सिंक का एरिया मिल जाता है, बर्तन वगैरह इजीली धो सकते हैं। यहाँ पर विंडो का प्रोविज़न दिया गया है, जहाँ से कि प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अभी सबसे प्यारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर जो इसका वॉश बेसिन हैंड, जहाँ पर आप हाथ वगैरह धोएंगे, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिया गया है। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, गोल्डन कलर का लुक दे रहा है। यहाँ पर जो आपको ये टैप लगा करके दिया गया है, ये भी गोल्डन कलर में दिया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसका पहला बेडरूम, जो कि इस साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है। और अगर इस रूम के साइज़ की बात करूँ तो 9.5x12 का साइज़ यहाँ पर जो है इस रूम का आपको मिल जाता है। रूम की अगर साइज़ और स्पेसिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर पूरे ही वॉल के ऊपर इसका जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर शोकेस बना करके दिया गया है, वुडन का काफ़ी अच्छा वर्क है। ऊपर की साइड में जो है फुल सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही चारों ही कोनों पे आपको LED कॉब्स लगा करके दिए गए हैं। सामने की साइड पे वॉल पे देखेंगे आपको जो है पूरी ही वॉल पे यहाँ पर मिल जाता है इसका एक काफ़ी बड़ा विंडो का प्रोविज़न, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अभी जो है मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके कॉमन बाथरूम की तरफ, यानी कि इसका जो यहाँ पर इस साइड में दिया गया है, मैं बात करूंगा यहाँ पर किस तरीके का ये बाथरूम मिल रहा है। तो आ जाइए मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम की अगर साइज की बात करूँ तो 4x6 का साइज है। इंडियन शीट यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है। वहां ऊपर से आपको मिल जाता है इसका वेंटिलेशन का ऑप्शन, जहां से प्रॉपर सनलाइट भी हो रहा है। टाइल्स काफी हाइट तक दी गई है, जहां से कि जो है आपको यहाँ पर सीलन प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कोई भी इशू नहीं आने वाला है।
अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके बेडरूम की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ा LED पैनल मिल रहा है जहाँ पर आप अपनी 32 से 44 इंच तक की LED ईजिली इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके सेकंड बेडरूम की ओर, और बेडरूम का साइज़ जो है यहाँ पर लगभग 11x15 का साइज़ आपको मिल जाता है। 2x2 की टाइल है, ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वुडन का जो है टेक्सचर दिया गया है, और सामने की साइड में काफ़ी बड़ी विंडो का प्रोविज़न आपको, सॉरी यहाँ पर आपको जो है वार्डरोब का प्रोविज़न मिल जाता है जहाँ पर आपके कपड़े वगैरह ईजिली आप रख सकते हैं। ये एक मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर अटैच में बाथरूम दिया गया है, और बाथरूम की अगर साइज़ की बात करूँ तो जो लगभग साइज़ यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो मिल जाता है यहाँ पर आपको 4x6 का। वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और आपका जो शावर एरिया है इस साइड में है, वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको वहाँ उस साइड से दिया गया है जो कि ऊपर की साइड में आप देख पाएंगे। तो ये देखा आपने इसका वेंटिलेशन का ऑप्शन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका OTS का स्पेस, यानी कि इसका बैकयार्ड का एरिया, मगर उससे पहले मैं दिखा दूं यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पे आपको काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है, विंडो का साइज़ काफ़ी स्पेसेस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसके जो है बैकयार्ड के एरिया की, और बैकयार्ड का एरिया जो है लगभग 5x5 के साइज़ में आपको दिया गया है, और ऊपर की साइड में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वेंटिलेशन का और सनलाइट का ऑप्शन, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाऊंगा वहां पर किस तरीके का ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर इस घर का भी नक्शा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 90 गज में ये बना हुआ है, 27 लाख रुपये आस्किंग प्राइस है, 18x45 का इसका जो है डायमेंशन है, गोविंद नगर विस्तार में ये लोकेटेड है। स्टेयर्स आप देख रहे हैं ग्रेनाइट का यूज़ करते हुए बनाई गई है, और SS यहाँ पर जो है रेलिंग में यूज़ किया गया है। आपने देखा ये किस तरीके का डिज़ाइन किया गया है। अभी मैं जो है इसके रूफ पर आपको लेकर के आ गया हूँ, इसकी छत पर लेकर के आ गया हूँ, और अब लेकर के चलूँगा इसके जो है थर्ड बेडरूम की ओर। तो आ जाइए, पहले मैं आपको रूफ दिखा दूँ, इसका कॉमन बाथरूम दिखा दूँ, फिर मैं आपको रूम दिखाऊँगा। ये देखिए इसकी रूफ है, पीछे की साइड में मकान बना हुआ है, इस साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, और इसकी प्रॉपर रूफ पर जाने का रास्ता ये है जो कि यहाँ पर आपको आयरन की एक स्टेयर लगा करके दी गई है। ये इसका रूम है, पहले मैं इसका कॉमन बाथरूम दिखा दूं। यहाँ पर इसका कॉमन बाथरूम दिया गया है जो कि 4x6 के साइज़ में है, और इंडियन शीट यहाँ पर आपको मिल जाती है। 3 बाथरूम यहाँ पर दिए गए हैं, 2 कॉमन और 1 अटैच। ये आ गया है इसका थर्ड बेडरूम। बेडरूम का साइज़ लगभग वही 9.5x12 का साइज़ है, और सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर जो है विंडो का प्रोविज़न और एक डोर। इस साइड में आपको जो है इसकी जो है वार्डरोब मिल रही है, आपका जो भी सामान हो रख सकते हैं। ऊपर की साइड में POP वर्क के साथ में LED कॉप्स लगा करके दिए गए हैं। अभी हम लोग आ गए हैं इसकी बालकनी की ओर, और बालकनी में आपको बता दूं बालकनी का साइज़ लगभग 2.5 फीट की बालकनी दी गई है, और काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये है बालकनी का पूरा ही स्पेस। अब जो है वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके साथ सारी ही जो चीज़ें हैं साझा की है, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन और साथ ही स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। अप टू 80% लोनेबल प्रॉपर्टी है। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।